हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आज के वीडियो में मैं आप लोग साथ के साथ शेयर करूंगी मेबलीन के पाउडर फाउंडेशन का रिव्यू साथ साथ मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी कुछ दिन पहले मैंने एक मेकअप लुक किया था सिंपल वाला मेकअप लुक था मेकअप फॉर हाउसवाइफ नो मेकअप मेकअप लुक था उसमें मैंने यही वाला पाउडर फाउंडेशन यूज किया था बहुत लोगों ने कॉमेंट्स किया था मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गाइज लॉरियल का क्रिस्टल माइक्रो असेंस अपने फेस के ऊपर यूज कर रही बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला सेंस है मॉइस्चराइजिंग है बिल्कुल भी आपको चिपचिप -चिप नहीं करता लाइट वेट इसका फॉर्मूला है तो चलो पहले आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखो फिर हम अपना मेकअप गाइज ये है मेवलिन का फिट फिटमेस स्किन फिट पाउडर फाउंडेशन है पाउडर का भी काम करेगा फाउंडेशन का भी काम करेगा नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है एसपीएफ थर्टी टू इसके अंदर है पीए ट्रिपल प्लस और ब्रांड ने इसमें सेवन शेड्स लॉन्च किए हैं मेरे पास है शेड नंबर वन टू जीरो वन ट्वेंटी क्लासिक आइवरी और कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा ब्रांड क्लेम क्या करता है कि ये पाउडर फाउंडेशन है रिफाइंड है एकदम आपके स्किन टोन और स्किन टेक्सचर के साथ फिट हो जाएगा माइक्रो वेलवेट पाउडर है स्मूदन करेगा आपके स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करेगा आपकी स्किन के फिनिश को ब्लर कर देगा आपके पिगमेंटेशन को पोर्स को वैनिश करेगा ऑयल को कंट्रोल करेगा वाइड रेंज आपको मिल जाएगी इसमें कलर्स वगैरह आपको अवेलेबल हैं सेवन शेड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ सिक्स हंड्रेड रुपीज इसका प्राइस है और टू इयर्स सिक्स मंथ्स ढाई साल इसकी शेल्फ लाइफ है नाइन ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल सी अट्रैक्टिव सी ब्लैक कलर की इसकी पैकेजिंग है जो शाइन कर रही है एंड पीछे आप देख सकते हो नेम नंबर आपको यहाँ पे मेंशन किया होगा एयरी सा थोड़ा सा इन्होंने ये वाली स्पेस को बनाया है लेट्स ओपन दिस हाँ, बहुत आराम से ओपन हो जाता है आपको साथ में मिरर मिल जाएगा इसके एंड ये आपको साथ में मिलेगा इसके कवरेज आपको मैं दिखा दू थोड़ी सी ठीक है कवरेज तो इसकी बहुत और इसका जो पाउडर है ना एकदम फाइन है एकदम ब्लर आउट कर देता है अभी आप देख लेना मैं आपको मेकअप पूरा करके दिखाऊंगी सबसे पहले मैं करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन मैं यहाँ पे यूज करी हूँ एनवाई बेका फेस सीरम ये हयालो एसिड वाला फेस सीरम है आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड कर देगा जेल बेस्ड सीरम है ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर हर एक स्किन टाइप इसको यूज कर सकता है करंट फेवरेट मुझे ये वाला सीरम लगा और फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी गुड वाइब्स की ये आर्गन जेल मॉइस्चराइजर मत यूज करो गर्मियों का बहुत गंदी वाली गर्मी आ चुकी है आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करो और ये जो जेल है ना आर्गन वाली ये हल्का सा ना आपकी प्राइमर का भी काम करेगी आपके पोर्स को भी फिल कर देगी तो आपको अलग से प्राइमर अगर आप नहीं लगाना चाहते जैसे डेली होता है ना हम नहीं लगाना चाहते हमें डेली मेकअप नहीं लगाना तो आप ये वाली जेल यूज कर लो उसके बाद आप ये मैट जेल आप लोटस की यूज कर लो सनस्क्रीन है ये ये द वे 50 के साथ ये बिल्कुल भी चिपचिप -चिप नहीं करती है थोड़ा सा लगाने के बाद ना मैं डाप -डाप -डाप कर लूंगी सनस्क्रीन लगाना गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर मैं यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ ये पर्पल के लिप बाम है और जो मेरा फ्लेवर है वो है रॉ मैंगो वन काफी मॉइस्चराइजिंग है ये वाली लिप बाम अब लगाते हैं हम फिटमी ये वाला पाउडर फाउंडेशन इसके साथ ही आपको ये वाला स्पॉन्च मिल जाएगा उसी के साथ मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे ये आपको कवरेज भी देगा स्मूथ टेक्सचर करेगा मैटिफाई कर देगा और बहुत ब्यूटीफुली इजली ये देखो ब्लेंड हो जाएगा देख लो मैं आपको दिखा रही थी कवरेज दिखा रही थी मैं फेस के ना हाफ पे लगाऊंगी पूरे हाफ ऑफ माई फेस पे मैं इसके साथ अप्लाई करूंगी ताकि आप अपने डिफरेंस आप देख सको इसमें बहुत सारे आपको शेड्स मिलेंगे अपने शेड के अकॉर्डिंग आप इसको खरीदना लास्ट वीडियो में जब मैंने अप्लाई किया था ना जो मैंने हाउस वाइफ के लिए जो मेकअप लुक किया था मेकअप लुक फॉर हाउस वाइफ उसमें ना ये बहुत ब्यूटीफुली मेरे फेस के ऊपर लग रहा था आज मुझे क्यों लग रहा है जैसे थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट लग रहा है मे बी मेरा रंग काला हो गया क्योंकि टैनिंग वगैरह आपको पता है घर में बैठे बैठे भी हो जाती है एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में मेरा रंग थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है पता नहीं यार आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या लास्ट वीडियो में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था आज के वीडियो में थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा लग रहा है आ, कोई बात नहीं दो तीन फेस पैक लगाऊंगी तो रंग साफ हो जाएगा बेसन पैक लगा लो अदरवाइज आप देख सकते हो कवरेज इसकी बहुत अच्छी है एंड अब मैं अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ अपने इयर्स पे आप जरूर अप्लाई करो अपने नेक एरिया पे आपने इसको जरूर लगाना है, नहीं तो थोड़ा सा अलग अलग लगेगा ब्रश के साथ आप एक बार कर लोगे ना तो टोन सा हो जाएगा नहीं तो स्पॉन्ज uh, के साथ कई बार होता है ना कहीं पे कम लग गया कहीं पे ज्यादा लग गया तो जस्ट ब्रश के साथ आप एक बार उसको कर लो फाइनली तो एक जैसा आपका लुक लगेगा फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे ये वेटर्न वा का सेटिंग स्प्रे है और इसके अंदर थोड़ा सा बच गया था इसलिए ये पुचप पुचक करके चल रहा था बेस मेकअप तो देखो गाइज मैंने कर लिया और ये पाउडर फाउंडेशन का रिव्यू भी हो गया बाकी की जो वीडियो है वो जस्ट मुझे अपने लुक को कम्पलीट करना था um, मैंने यहाँ पे वेटन वाइल्ड की आईब्रो बस उसके साथ मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया शुगर की आई शेडो पैलेट है उसमें से ये जो मेरा फेवरेट वाला शेड है ना इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी लिड के ऊपर क्रीज लाइन के ऊपर जस्ट रफली सा मैं जस्ट इसको ब्लेंड कर लूंगी और मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे भी इसको मैं अप्लाई करूंगी लोअर नॉट लोअर वाटर लाइन मतलब समझ करूंगी आपने देखा ना यार कहा लगा मुझे समझ भी नहीं आया वो कैसे <laughs> एक्सप्लेन करूं और फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी काजल ये व्हाइट काजल है पर्पल का कुछ लोग कह रहे थे दी आपके पास व्हाइट काजल आप उसको भी आप यूज किया करो आप हमेशा ब्लैक यूज करते हो तो व्हाइट मैंने अप्लाई किया एंड uh, कैसा लग रहा है पता नहीं आई एम कंफ्यूज बट काजल बहुत अच्छा है पर्पल का कलर बार का जो मैन वोश मस्कारा है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी अपर लैशेस और लोअर लैशेस पे लोअर वाटर लाइन पे मैंने व्हाइट काजल अप्लाई करना है अपर वाटर लाइन पे ब्लैक काजल अप्लाई करना है क्योंकि पहले जब व्हाइट लगा लिया था ना अपर वाटर लाइन पे तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर थोड़ा सा ब्लैक अप्लाई कर लूँ नीचे सिर्फ व्हाइट रहने दू हल्का सा अब यही वाला शेड जिसको मैंने अपने लिड के ऊपर अप्लाई किया था उसके साथ मैं अपना हल्का सा ब्लश अप्लाई कर लूंगी पाउडर ब्लशेस गर्मियों के टाइम पे आप लगाओ क्रैम्प ब्लशेस मत लगाओ और ज्यादा चिपचिप करेगा एंड हल्का सा नोज के ऊपर भी ठीक है ये आपकी अपनी मर्जी है फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एन वाई बेक ये लिक्विड लिपस्टिक है और इसका शेड है रेट्रो नाइट एटीन बहुत ब्यूटीफुल वाला ये शेड था लेकिन इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने आज पूरा अपना प्रॉपर वाला बेस मेकअप नहीं ना किया इस वजह से अगर मैं पूरा प्रॉपर बेस मेकअप करती तो ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता अदरवाइज ये शेड इतना सुंदर आप जरूर ट्राई करना एनवाई बे का उसके ऊपर मैं यूज कर रही हूँ पर्पल का ये लिप क्रेन सॉफ्ट मैट लिप क्रेन शेड नंबर सिक्स बोर्ड गेम टाइम्स टाइम सिक्स हाँ लिपस्टिक मेरी होगी एंड मुझे शेड बड़ा पसंद आया कल लाइव आई थी ना तो बहुत लोगों ने ये लिपस्टिक का शेड भी पूछा था हल्की से जस्ट मैं यहाँ पे पोनी कर रही हूँ और ये मेकअप लुक मेरा कम्प्लीट हो गया सिंपल सा